आप अपना परिचय दोगे, आप ये कितने दिन तो ऐसे कैंप लगा के बैठे हो और आप कितने रहने वाले हो और की आदमी का काम कर रहे हो? असि मेरा नाम जितेंद्र पाल सिंह है, मैं मेरा बेटा हरीश सिंह, असं इतने बहादुरगढ़ के वसनीक हाँ और इतने इंडस्ट्रियल एरिया अपनी फैक्ट्री है और असं इतने बच्चे मेडिकल सेवा निभा रहे हैं, असं अंदर लंगर की सेवा निभा रहे हैं। कितने दिन हो गए लंगर तो 5 तरीक तो स्टार्ट हो गया थी, पर मैं आया मैं 20 डेज हो गए। आप किस तरह देख रहे हो किसान अंदोलन? किसान अंदोलन जोड़ा है वो बड़े अच्छे शिखर से पहुँच चुका है और कोई किसी के कोई ठहरी कला नहीं है, सब चढ़ती कला च है और उम्मीद है महाराज बख्शिश कर कामयाबी मिलेगी। आप जो इतने 20 दिन हो गया, अभी दस रहे आप जो इतने कोई परेशानी आ रही हो किसी किस्म की लंगर परेशानी? कोई परेशानी नहीं, पिछले बारिश का भी इतने मौसम रहा है, बारिश के मौसम के इतने सारा टैंक सारे टैंक जोड़े थे खराब हो गए सर। बाबा कश्मीर सिंह जी जिन्हें शहीद के लंगर चल रहा है उन्होंने अमृतसर तो साढ़े वास्ते पक्के शेड का इंतजाम करने लिए समान भेजा, नाल आदमी भेजे से जितना कि शेड पाया गया, दो दिन एक रात और दो दिन के अंदर पूरा शेड तैयार करता गया। क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे कि इतने कुछ लोकल लोग है जी आप काफ़ी इतने हेल्प कर रहे हैं और काफ़ी इतने आप जी उन्होंने सपोर्ट किया है? मेरे लोगों फ्रेंड है जिन्हों का सामने प्लॉट भी है जिसको अभी यूज कर रहे हैं पार्किंग, उन्होंने बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो उन्होंने मिलवाना चाहूँगा। ये अपने दोस्त है आप देख रहे हो कि और इन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ लोकल लोग हैं जो इनकी यहाँ पे मदद कर रहे हैं, उन्होंने अपना प्लॉट भी इनको दे दिया है, उन्होंने अपना समर सीवल और रूम वगैरह दे दिए हैं। सर भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका नाम बताइए। परमिंदर मनजीत अंकित चून। हाँ ये हाँ भाई जी बस आप उनके भाई साहब के साथ सेवा कर रहे हो? भाई साहब शुरू से 26 तारीख से जब से बैठे जब से इनके साथ। क्या कहना चाहते हो आप? जितनी सेवा हमसे होगी उतनी सेवा करेंगे, अब तक करते रहे हैं, बिजली की पानी की जमीन की जिस प्रकार की भी सुविधा वो हमसे मिलेगी वो हम देने को तैयार हैं। भाई साहब आपके यहाँ पे बीजेपी का राज है, खट्टर सरकार ये कहती है कि जो पंजाब में आ रखे तो आतंकवादी है, ना आप इनके साथ सेवा करके आप भी आतंकवादी कह रहे हो? जी ये किसान है हम भी किसान है, आतंकवादी कैसे हो? खट्टर सरकार कह रही है ना।